हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन। इन सोमैटिक सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ए जी1 फेज, बी प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, सी एस फेज, डी जी2 फेज। सो हमें ये पूछा गया है कि सोमैटिक सेल साइकिल का डीएनए सिंथेसिस कब किस स्टेज पर होता है। सो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ है सेल साइकिल। सो द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। एक है माइटोटिक स्टेज यानी एम फेस, और दूसरा है इंटरफेस यानी इसको कहा जाता है रेस्टिंग फेस। सो माइटोटिक फेस इज मतलब डिविजन, जहां फेज में डिविजन होता है, और रेस्टिंग फेज इज वेयर द डिविजन डजंट हैपन। सो जब हम देखेंगे द सेल साइकिल को, ये है माइटोटिक फेज और ये है इंटरफेस। सो माइटोटिक फेज में होता है अगेन चार फेजेस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, जहां सेल डिवाइड होता है। सो ये पांच ऑफ फेज आते हैं इन माइटोटिक सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। और इंटरफेस में आते हैं जी1 यस फेस एंड जी2 फेस। सो यहां माइटोटिक डिवीजन में, माइटोटिक फेज में डिवीजन होता है, उसके बाद द सेल विल एंटर इन। सो इंटरफेज में होता है ग्रोथ ऑफ द सेल, जहां वो कॉम्पोनेंट्स को ग्रो करेगा, यानी ऑल द सेल कॉम्पोनेंट्स ज्यादा हो जाते हैं। ये होता है इन जी1 फेज। और यस फेज में होता है सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जो डीएनए डॉटर न्यूक्लियाई में होता है वो थोड़ा स्ट्रैंड्स में होता है, इसलिए यस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है बाय डीएनए सिंथेसिस होता है टू प्रोड्यूस मोर डीएनए विच हैज टू अंडरगो अगेन सेल डिवीजन, जो फर्दर जाता है और सेल डिवीजन में पार्ट लेता है। सो यस फेज में होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। लास्ट इज जी2 फेज, यानी यहां भी अगेन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल, और यहां जी2 में होता है प्रिपरेशन ऑफ माइटोटिक डिवीजन। सो नेक्स्ट एम फेज को जाने के लिए प्रिपरेशन जी2 फेज में होता है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस सी यस फेज। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।